ये देखो कैसे देख रहा भाई। इसका प्राइस वो बता रहे हैं 58,000 रुपए। चेहरे पे रौनक के बजाय ना झुर्रियां पड़ रही हैं। झुर्रियां बात तो सही है। ये देखो ये कितना हंसता है भाई। भाई यार पता ना जब हमारी बाइक खराब होती है ना तो ये बंदा इतना हंसता है। और भाई मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। गाइस यार मेरा पता ना मन नहीं कर रहा ब्लॉग शूट करने का। अपनी कसम यार इतनी बुरी हालत हुई पड़ी क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ निकल रहा है। वो भी पता है क्यों निकल रहा है? क्योंकि बाइक की वजह से। क्योंकि जब तक हमारी बाइक सही नहीं होगी ना मैं ठीक नहीं हो सकता भाई। बात तो सही है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप शाम लोग बढ़िया होंगे। और मेरी हालत ना यार गाइस ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि अभी तक हमारी बाइक सही नहीं हुई है। क्यों सही नहीं हुई है आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे यार। इतना ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ आप लोग सोच भी नहीं सकते यार। पता है जो ये हमारा रेजिरेटर ये इसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी। और भाई पता है ना सर्विस सेंटर पहले तो मैंने पूरी मार्केट में पता किया, करोल बाग पूरी मार्केट में पता किया। पता है कोई बता रहा है चाइनीज के जितने भी बता रहे हैं सारे चाइनीज बता रहे हैं 20,000 का। और 20,000 का बताने के बाद ना इसकी कोई गारंटी भी नहीं ले रहा है। गारंटी नहीं ले रहा तो भाई मेरे कोई फायदा नहीं 20,000 डालने से। और जब मैंने इसे सर्विस सेंटर में पता करा इसका प्राइस वो बता रहे हैं 58,000 रुपये। तो भाई 58,000 रुपये सुन के ना मेरी ना ऐसी तैसी होगी। मैंने कहा भाई 58,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा कैसे करूंगा। और भाई इतना दिमाग खराब हुआ पड़ा है। गाइस यार मेरी बाइक की ना इतनी बुरी हालत हो रही है देखो सारी खुली पड़ी है। अरे देखो और इतना दुखी हो रहा हूँ मैं अपनी बाइक को देख के ना इतना दुखी आप लोग सोच भी नहीं सकते। चेहरे पर रौनक के बजाय ना झुर्रियां पड़ रही हैं। झुर्रियां बात तो सही है। ये देखो ये कितना हंसता है भाई। गाइस यार पता ना जब हमारी बाइक खराब होती है ना तो ये बंदा इतना हंसता है। और भाई मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आती है फिर बहुत ही ज्यादा। मैं कहता हूँ यार ये हंसता क्यों है यार इतना। अब सॉरी बोल भाई सॉरी। हाँ देखो सॉरी बोल रहा हंस के बोला। अगर मैं इसे मारूंगा ना फिर भी हंसता रहेगा तो मार सकता नहीं क्योंकि भाई अपना ये बंदा है यार ये अपनी दुकान पर काम करता है कोई नहीं। और गाइस चलो ये तो काम तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैंने डिस्पैट खोले थे ना इसके डिस्पैट खोलने के बाद ना तो मैं सोच रहा हूँ अब डिस्पैट ही डाल दूँ। और हमारे पास तो भाई अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा इसके डिस्पैट डलवा देते हैं। ये देखो मैं डिस्पैट लाया था। ये देखो गाइस क्रैंक बन ये भी यार पता नहीं इसमें डुप्लीकेट आ जाए। डुप्लीकेट मुझे दे रहा था डुप्लीकेट कितने के दे रहा था? हाँ डुप्लीकेट दे रहा था मुझे 1,800 रुपये के दोनों। ठीक है ये भी और ये पता नहीं ये जेनुअन मुझे दिए हैं कितने के 5,200 रुपये के। 5,200 रुपये के जेनुअन दिए हैं भाई। और बढ़िया है इनकी ग्रिप भी अच्छी होगी यार पता नहीं क्या बता रहा था वो। मैं तो सारा कुछ भूल गया क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था जिस दिन मार्केट गया था रेजिरेटर की वजह से। चलो गाइस आप लोगों को आज दिखाता हूँ भाई मेरे ये डिस्पैट कैसे डाला अपनी सुपर बाइक में जी नौ सौ में। चलो काम स्टार्ट करते हैं गाइज। ये देखो काम स्टार्ट हो गया है। पहली बात तो ये खुले पड़े थे। खुले क्यों पड़े थे कि भाई मैं जब मार्केट गया था ना एक सैंपल ले जाना पड़ता है। अगर सैंपल नहीं ले जाओगे तो किसी और बाइक का आ जाए क्योंकि इनमें बहुत सारे मॉडल होते हैं ऐसे पता नहीं चलता है। बात तो सही है। देखो दोनों पंप है दोनों निकलेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा अभी इसमें दबाने पड़ेंगे आराम से करना भाई। पहली बार मेरी सुपर बाइक का ही काम हो रहा है और वो भी हमारा लाला कर रहा है समझ रहे हो ना। ना पता चले भाई डिस्पैट डालने की वजह से ना कुछ और कमी कर दे भाई। और वैसे भी ऐसी तैसी हुई पड़ी। बात तो सही है। गाइस ये देखो डिस्पैट होते हैं बढ़िया क्रैंक है क्रैंक वन। अब ये मुझे पता नहीं भैया जेनुअन है या लोकल है बस। बट यार वो कह तो रहे थे कि यार ये जेनुअन ही है। ये इसका लोकल था वो 1,800 रुपये का था। ये देखो दो पढ़ते हैं दो आगे हाँ चार दो साइड पढ़ते हैं। और बढ़िया तरीके से ही डालना यार। अगर कुछ कमी आ गई ना फिर सोच लेना ऐसी तैसी होगी तुम्हारी। और तुम्हारी क्या होगी? एक साइड का ये डालेगा एक साइड का डालेगा ना आराम से कैसे डालेगा। अब बोलेंगे ही नहीं भैया शर्म घुसी पड़ी है इनकी। शर्म ऐसी घुसी पड़ी है तो अब क्या बताऊँ। देख रहे दांत दिखा देते हैं ऐसे लगते हैं भाई। देखो दोनों एक उस साइड का बताया ना यार नेट खराब हो रहा है। अगर वो खुल गया आराम से तो बहुत ही बढ़िया है नहीं तो यार मुझे दूसरा मंगाना पड़ेगा। और मिलेगा भी नहीं जल्दी से भाई सुपर बाइक का सामान ना मिलता ही नहीं है यार। ऐसी तैसी हो जाती पता कोई सा भी सामान लोगे ना सुपर बाइक का तो जल्दी से नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता सुपर बाइक ही है भाई मेरे। और टाइम पता कितना लेते हैं 1 महीने 15 दिन 10 दिन 20 दिन इतना तो टाइम लेते हैं भाई। इतने दिन में क्या करेगा बंदा खड़ी रखेगा बाइक कैसे करेगा बताओ। गाइस ये देखो लग गया। अब ये कसेगा ना प्रॉपर तरीके से। कसने के बाद सेट हो जाएगा फिर इसका पंप भी बनेगा। प्रेशर तो अपने आप हो जाएगा ना प्रेशर तो दबा के हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है नहीं तो मैं भी कर सकता हूँ यार प्रॉपर तरीके से देख लेना। लग गया ना गाइस ये देखो कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसे तो मैं भी लगा सकता हूँ। ये देखो कैसे देख रहा भाई।
ये भाई बड़ा मजा लेता भाई, देखो कैसे देख रहा है भाई। उस साइड का तू लगाएगा फिर, सोच लियो उस साइड का मैं उससे लगवाऊंगा। लाला यार मेरा सारा काम कर लेता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सुपर बाइक का ना 2-3 महीने काम करेगा ना सब आ जाएगा ऐसे, क्योंकि भाई टैलेंटेड बंदा है। ऐसा नहीं है कि भाई उदम में भी जितना टैलेंट है और काम करने में भी उतना ही टैलेंट काम करने में भी है, समझ रहे हो ना। उस वजह से हम भी कुछ नहीं कह पाते हैं कि भाई चलो काम तो कर लेता है, अगर काम में थोड़ा कमजोर हो तो फिर उदम में ज़्यादा तेज है तो फिर तो इसकी माल लगा दूंगा फिर। गाइज यार मेरा पता ना मन नहीं कर रहा है ब्लॉग शूट करने का, अपनी कसम यार इतनी बुरी हालत हुई पड़ी, क्योंकि मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ निकल रहा है, वो भी पता है क्यों निकल रहा है, क्योंकि बाइक की वजह से। क्योंकि जब तक हमारी बाइक सही नहीं होगी ना मैं ठीक नहीं हो सकता भाई, हालत ख़राब हुई पड़ी है और इतना बुरा लग रहा है आप लोग सोच भी नहीं सकते यार। जब तक ये अपना सुकून सही नहीं होगा जब तक भाई मेरी हालत ऐसी रहेगी डैमेज। गाइज ये देखो फाइनली हो गया एक साइड का, अब उस साइड का पता है ना एक नट स्लिप हो रहा है, पहले उसका जुगाड़ करता हूँ फिर उसे भी खोल के करवाता हूँ सही से, क्योंकि अगर मैं करूँगा ना उसे भाई मैं तो कमी कर पाता हूँ, मैं खोलूँगा ना तो ऐसी तैसी हो सकती है, अगर नट खराब हो गया ना फिर पूरी कहानी खराब हो जाएगी। गाइज पता है ना इसका एक नट स्लिप हो रहा है और इसे थोड़ा बहुत ठोक ठोक के निकालना पड़ेगा, अगर ज़्यादा ठोकेंगे ना तो ख़राब भी हो सकता है। खुल जाए इंशाल्लाह यार, खुल गया ना तो भाई तुम दोनों को पार्टी दूंगा अगर तुम दोनों ने खोल दिया, ठीक है पार्टी मिलेगी दोनों को भाई। और बहुत तरीके से अगर ख़राब कर दिया ना ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी। गाइस दोनों फाइनली तरीके से बढ़िया तरीके से दोनों डिस्पैच डल चुके हैं और हमारे दोनों शेरों ने डाले हैं, डाल दिए ना बढ़िया तरीके से, देख लियो अगर कोई शिकायत आई तो फिर ऐसी तैसी होगी तुम दोनों की। लाला कैसे पढ़े हैं, सही पढ़ गए ना? गाइज फाइनली अपनी सुकून का काम हो गया, दोनों डिस्पैच डल चुके हैं। गाइज डिस्पैच डालना बहुत ही आसान होता है, आप भी अपनी बाइक में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैकेनिक को यही काम करवाने का, अगर यही इतना ही काम करवाने के ना कम से कम वो पता है कितने पैसे ले लेता, कम से कम 1000 रुपये ले लेता, बताओ 1000 रुपये कैसी तैसी हो जाती। और हमारा लाला ही ने काम कर दिया, 1000 रुपये का बचा दिया ना, मैं भी कर लेता बट यार मैं कर नहीं पाता क्योंकि हम मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि हमारा काम एक्सर सीरीज का है ना वो प्रॉपर तरीके से मैकेनिक का ही काम करता है, वो तो कर लेता है। तब तक के लिए वी सेव राइट से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जय हिंद।